वेलकम बैक इन द वर्ल्ड ऑफ अनंत। तो आज हम बात करने वाले हैं कि समर में ना कैसे मतलब स्किन केयर रूटीन चेंज करना बच्चों के लिए मस्ट हो जाता है। एंड उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती है कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोशन लगाए या पाउडर लगाए। तो पाउडर तो मैं मेरे बेटे को नहीं लगाती उस समर में, मतलब हाँ एक आधा बार लगाया होगा ऑल ओवर द समर, मतलब ये उसकी थर्ड समर है, बट स्टिल मैंने कभी नहीं लगाया, मैं लोशन ही लगाती हूँ। तो आपको समर के लिए स्पेशली कैसा लोशन लेना है, क्या खूबी उसमें होनी चाहिए जो कि एक समर को आपके बच्चे के लिए काफी अच्छा बनाए। तो चलिए इस वीडियो में हम आज उसी पे बात करने वाले हैं कि समर के लिए हमें किस तरह का लोशन लेना चाहिए बच्चों के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज और भी आपको मिलते रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो समर में आपको लोशन चाहिए, उसका सबसे फर्स्ट चीज होना चाहिए कि वो लोशन वाटरी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, एकदम थिक एंड ग्रीसी नहीं होना चाहिए, लाइट इन टेक्सचर होना चाहिए, ईजी टू अब्जॉर्ब होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे लोशन शेयर करूंगी जिसे मैंने मेरे बेबी के लिए यूज किया है, जो कि एक समर को आपके बच्चे के लिए परफेक्ट समर बनाते हैं। तो समर के लिए लोशन लेते वक्त जो हमें फर्स्ट चीज देखना है वो है हमें वाटरी कंसिस्टेंसी का लोशन चाहिए जो कि ईजी टू अब्जॉर्ब हो एंड माइल्ड इन फ्रेग्रेंस हो एंड थिक एंड ग्रीसी कंसिस्टेंसी वाला हमें नहीं लेना है, क्योंकि ये विंटर के लिए तो अच्छा होता है बट समर में ना हमारे जो स्किन है उसको काफी चिपचिपा एंड ऑयली बना देता है ग्रीसी होने की वजह से, थिक कंसिस्टेंसी होने की वजह से, जिससे बच्चे ना काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। क्योंकि जब हम बड़े अपने लिए अकॉर्डिंग टू समर लोशन चूज करते हैं तो ये मस्ट हो जाता है कि बच्चों के लिए भी हम सीजन के अकॉर्डिंग लोशन क्रीम पाउडर चूज करें। तो मैंने ऑयल के ऊपर एंड और भी चीजों के ऊपर समर केयर लिस्ट नाम की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। और भी समर के लिए मैंने काफी सारी चीजें शेयर करी है एंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, लाइक समर के लिए बेस्ट डाइपर कौन सा है, हमें कौन सा डाइपर यूज करना चाहिए, कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें, घमोरियों के लिए हमें क्या करना चाहिए समर में अगर घमोरिया हो जाए तो, उससे बच्चा कैसे जा सकता, और अगर फिर भी हो जाए तो हमें क्या हम क्या करें कि ओवरनाइट आपके बच्चे को रिलैक्स फील हो सके, घमोरिया चुमंतर हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं 5 ऐसे लोशन शेयर करूंगी जो लाइट इन टेक्सचर है, उनके प्राइस अकॉर्डिंग टू देयर क्वांटिटी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी कि वो महंगे हैं या सस्ते, फिर आप, क्योंकि इसमें जो भी मैं बताने वाली हूँ लोशन वो काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है एंड बहुत ही अच्छा है, लाइट इन टेक्सचर है, आपके बच्चे की स्किन को डल ड्राई होने से बचाता है, हाइड्रेटेड रखता है एंड स्किन को सॉफ्ट बनाता है समर में स्पेशली एंड उन्हें काफ़ी फ्रेश रखता है। तो मैं ये काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड इसमें जो मेरा फेवरेट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जो फर्स्ट लोशन है वो सेबामेड का है, तो ये काफ़ी लाइट इन टेक्सचर है, ईजी टू अब्जॉर्ब है और बच्चे को मतलब माइल्ड इन फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मतलब काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए और स्पेशली इसका पीएच वैल्यू 5.5 है जो कि स्पेशली बच्चों के लिए ही बनाया गया है। तो कोई भी प्रोडक्ट आप लेना तो एक पैच टेस्ट जरूर करें अपने बच्चे के ऊपर, और अगर पैच टेस्ट कैसे करना है जानना है तो वो भी वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये ना मस्ट होता है कुछ भी नई चीज अपने बच्चे के लिए ट्राई करने से पहले। कोई भी चीज़ आप ले तो बच्चों के लिए, जो बच्चों के लिए स्पेशली बनाई गई है वही लें क्योंकि वही बेस्ट होता है। एंड सेकेंड है ये मामा अर्थ का, तो मामा अर्थ के 2 बेबी लोशन आते हैं, दो नहीं काफ़ी कैटेगरी में आते हैं, तो जो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ वो 0 to 2 ईयर वालों के लिए शेयर कर रही हूँ। तो मामा अर्थ के ना ये 2 लोशन आते हैं, एक ये ग्रीन बॉटल में जो आती है जो कि जोजोवा ऑयल एलोवेरा वाइटामिन ई से बना होता है जो कि बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बट ये थिक होता है थोड़ा सा एंड ग्रीसी होता है, अगर आप इसे समर में लगाएंगे तो ये आपके बच्चे को का जो मतलब स्किन है उसे थोड़ा ऑयली और चिपचिपा बनाता है, इसलिए ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। ये जो वाइट बॉटल में है जो कि ओट्स मिल्क कैलेंडुला एंड शिया बटर एंड कोकोनट ऑयल होता है इसमें, जो कि बच्चे के स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट है वो काफ़ी अच्छे हैं अकॉर्डिंग टू समर, तो आप समर में बच्चों के लिए ये वाइट वाली जो बॉटल आती है जो कि जिसका मेन इंग्रेडिएंट है ओट्स मिल्क एंड कैलेंडुला कोकोनट ऑयल, वो यूज़ करें समर के लिए, क्योंकि ये ना काफ़ी मतलब वाटरी कंसिस्टेंसी का है एंड ईजी टू अब्जॉर्ब है, लगाते ही तुरंत अब्जॉर्ब कर लेता है और स्किन को लाइटन करने में भी हेल्प करता है, ये मैंने देखा है।
और बच्चे काफ़ी फ्रेश फील करते हैं इसे लगाने के बाद, और इसका जो स्मेल है वो भी काफ़ी माइल्ड है। तो किसी बच्चे को कभी कभी मतलब स्मेल की वजह से जो इरिटेशन फेस करना पड़ता है वो नहीं होगा। लोशन है बेबी जॉनसन, जो न्यू बेबी जॉनसन कॉटन रेंज है उसका लोशन, ये काफ़ी अच्छा होता है। इसका जो स्मेल है वो काफ़ी लाइट है एंड मतलब बहुत ही अच्छा फ्रेश फील होता है इसे यूज़ करने के बाद। और इसका टेक्सचर आपको थोड़ा क्रीमी दिखेगा, बट क्रीमी रहता नहीं है, लाइट इन टेक्सचर है, ईजी टू अब्जॉर्ब है, और फटाफट से अब्जॉर्ब करने के बाद मतलब सरफेस को हल्का ड्राई रखता है, एकदम चिपचिपा नहीं बनाता है, ऑयली नहीं बनाता है, तो काफ़ी अच्छा है और बच्चे काफ़ी अच्छा फील करते हैं। ये सारे जो लोशन है वो क्लेम करते हैं दे आर टोटली केमिकल फ्री एंड मेड फॉर स्पेशली बेबीज। नेक्स्ट है बेबी जॉनसन का ही लोशन जो कि पिंक कलर के बॉक्स में आता है, ये भी काफ़ी अच्छा होता है, ये भी लाइट इन टेक्सचर है, ये काफ़ी वाटरी कंसिस्टेंसी में होता है, तो इजी टू अब्जॉर्ब हो जाता है और बच्चे के स्किन को फ्रेश रखता है, चिपचिपा ऑयली नहीं बनाता है, एंड ये काफ़ी काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है, तो काफ़ी अच्छा है। एंड लास्ट है हिमालय का बेबी लोशन, जो मेरे बच्चे को तो सूट नहीं किया, बट मैंने यूज़ इसे भी किया है, बट ये मतलब किसी किसी बच्चे को होता है ना कि उनके स्किन को सूट ना करे, तो इसलिए मैंने इसे डिसकंटिन्यू किया था, बट ये भी काफ़ी समर के लिए बेस्ट है, मतलब लाइट इन टेक्सचर है, अगेन बहुत ही वाटरी कंसिस्टेंसी का है, तो आप इन सब को मतलब विंटर में तो नहीं यूज़ कर सकते हैं, बट समर के लिए ये सारे मतलब पांचों जो मैंने लोशन एक्सप्लेन किए यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, मतलब स्पेशली समर के लिए तो बेस्ट है। पांच लोशन थे जो मैंने अपने बेटे के लिए कभी ना कभी इस्तेमाल किया था, इसलिए मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि एवरी मॉम ना मतलब परेशान होती है, जैसे सीजन मतलब चेंज होता है ना, तो हमें बेबी के स्किन केयर की मतलब चिंता होने लगती है कि हम क्या यूज़ करें क्या नहीं यूज़ करें, तो मुझे लगा ये वीडियो आपके साथ शेयर करना मस्ट हो जाता है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ के अपडेट आपको फटाफट से मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।